जुमले बना के बोलते हैं, और हमारा सामने वाला, सुनने वाला, हमारा लिसनर जो है वो हमारे उस जुमले को समझता है तो फिर वो हमें रिप्लाई करता है। अगर हम जुमलों में वर्ड्स की तरतीब सही नहीं रखेंगे, उनको सही माने में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मुमकिन है कि हमारा रीडर, हमारा लिसनर वो हमें अंडरस्टैंड न कर सके। तो इस वजह से इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से एक गाड़ी में मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स होते हैं, उसको चलाने के लिए, उसको रवा दवा रखने के लिए टायर होता है, उसके अंदर इंजन होता है मेन, इसी तरीके से उसकी बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं, तो इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को रवा दवा रखने के लिए ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनके बगैर इंग्लिश की गाड़ी आप ये समझे कि इंग्लिश की गाड़ी नहीं चल सकती। आपको हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में महारत हासिल करना है, और इनमें आपने, यानी जैसे कि नाउन है तो प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इन तमाम के तमाम जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनके आपने विकेबलरी याद करनी है, और इनका तरतीब सेंटेंस में किस तरीके से हम इनको सेंटेंस में तरतीब देते हैं सही माने में, तो ये सारी चीज़ें, और इनका पहचान किसी सेंटेंस में इनका पहचान करना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी हैं इस चीज़ को समझने के लिए। तो इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और आज के इस लेसन में इस लेसन को स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको मैंने एक बहुत अच्छा लेसन इसके लिए बनाया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मेरे चैनल के स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि सर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे इंसिस्ट करते हैं कि सर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कोई एक अच्छा जामिया लेसन बनाएं, ताकि हमें समझ में आ सके कि किस तरीके से हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही माने में इस्तेमाल करके अपने स्पोकन इंग्लिश और अपने रिटन इंग्लिश को हम बेहतर बना सकते हैं। तो ये पूरा मुकम्मल मैंने डिटेल के साथ ये पूरी वीडियो बनाई है, तो इसको स्टार्ट से फिनिश तक आप ज़रूर वॉच करें, इसको स्किप मत करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउन, आखिर नाउन है क्या? दुनिया में जितने भी चीज़ें मौजूद हैं उनके नामों को हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, यानी दुनिया में जितने भी चीज़ें मौजूद हैं दुनिया के अंदर उन तमाम चीज़ों का नाम है। कोई ऐसी चीज़ दुनिया में है नहीं कि जिसको, जिसका कोई नाम ना हो। तो दुनिया में जितने भी चीज़ें मौजूद हैं और उनके नाम हैं, उन नामों को हम नाउन कहते हैं। ये नाम किसी शख्स, जानवर, किसी चीज़ या जगह की हो सकती हैं। मसलन अहमद, कराची, गायें, मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा डे, नाइट, बेड, और बहुत सारी चीज़ें, आइसक्रीम, जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, अब मैं कितने एग्जांपल्स दूँ, ये तमाम के तमाम जितने भी चीज़ें उनके नाम हैं, उन नामों को हम नाउन कहते हैं। तो नाउन हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि नाउन के भी बहुत सारे एग्जाम हैं नाउन के, तो उन एग्जाम को सही माने में बेहतर समझने के लिए हम नाउन को स्टडी करते हैं। अगर हम सही माने में नाउन को स्टडी नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल इंग्लिश सही माने में हम सीख नहीं सकेंगे। तो इस वजह से नाउन को पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आप एग्जांपल आप देख रहे हैं कि अहमद एक लड़का है, अहमद एक लड़का है में अहमद इज़ अ बॉय, यानी अहमद एक लड़का है, अहमद इज़ अ बॉय। अब इस सेंटेंस में, इस फिक्रे में अहमद एक नाउन है, जो कि बोल्ड वर्ड में आप देख रहे हैं, और अहमद एक नाउन है। इसी तरीके से मेरा दोस्त कराची में रहता है, माई फ्रेंड लिव्स इन कराची। तो इस फिक्रे में कराची एक नाउन है जो कि बोल्ड वर्ड में है। और हमारे थर्ड सेंटेंस में गाँव के लोग गायें रखते हैं, यानी पालते हैं, विलेजर की काउस,
तो यहाँ इस जुमले में, इस फिक्रे में गाय एक नाउन है। इस तरीके से लास्ट वन हमारा है, इसके पास एक मोबाइल फोन है। शी ऑन्स अ मोबाइल फोन में, मोबाइल फोन एक यानी के नाउन है। तो पहले फिक्रे में आपने देखा कि अहमद एक शख्स का नाम है, और दूसरे फिक्रे में आपने देखा कि कराची एक जगह का नाम है, और तीसरे फिक्रे में आपने देखा गाय एक जानवर का नाम है, और चौथे फिक्रे में आपने देखा मोबाइल एक चीज़ है। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग टू आवर डिफिनेशन यानी कि शख्स, जानवर, किसी चीज़ या किसी जगह का के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे शख्स भी आ गया, जगह भी आ गई, चीज़ भी आ गई और जानवर भी आ गए। तो ये था हमारा नाउन, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इनके डिफिनेशन और इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो काइंड्स ऑफ नाउन्स में हम आएंगे, फिर मैं आपको पूरे डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा पूरे नाउन को। यहाँ इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और उनके काम क्या हैं, और उनके डिटेल को पढ़ने के लिए आप हमारे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन को क्लिक करें, ताकि आप हमारे जो अपकमिंग वीडियोस हैं, जब हम अपने वीडियोस को अपने चैनल में अपलोड करें तो आपके पास आपको नोटिफाई किया जा सके। तो उसमें मैं पूरा डिटेल के साथ ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग करके पढ़ाऊंगा। यहाँ तो मैं समझ लो एक ओवरव्यू आपको, फ्री प्रीव्यू एक दे रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या। तो हमारा जो दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन को हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। किसी नाम को बार बार दोहराने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे तो यहाँ पे एक छोटा सा यानी कि पैराग्राफ आप कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वन है वो गलत है, लिखा हुआ अहमद एक अच्छा लड़का है, अहमद छठी जमात में पढ़ता है। और दूसरे में आप देख रहे हैं कि जहाँ सही लिखा हुआ है, अहमद एक अच्छा लड़का है, वो छठी जमात में पढ़ता है। तो फर्स्ट वन जो है वो क्यों गलत है, वो इसीलिए गलत है कि आम तौर पर हम इस तरह यानी कि बार बार किसी के बारे में अगर बात हो रही हो तो उसको बार बार हम नहीं उसको दोहराते। उर्दू में भी हम इस तरह नहीं करते, बल्कि हम उसकी जगह वो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसको बार बार दोहराए नहीं। और हमारे जो अगर हम लिख रहे हैं तो हमारे, या बोल रहे हैं, लिख रहे हैं तो हमारे लिखने में, बोलने में एक खूबसूरती आए। तो इस वजह से हम यानी कि प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं कि यानी कि बार बार किसी नाउन को दोहराने से बचने के लिए हम यानी प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये जब आप आगे चल के आप जब रिटन इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको ये खुद समझ में आएगा कि ये कितने अहम और ज़रूरी हैं। अगर आप अपने रिटन इंग्लिश में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, कोई आपके आर्टिकल वगैरह को पढ़ेगा तो उनको ये लगेगा कि आपको यानी सेंस नहीं है लिखने की, और इस वजह से आपको नाउन की जगह आपको प्रोनाउन इस्तेमाल करनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो की। तो नाउन को हम यानी प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल इस वजह से करते हैं कि रिपीटेशन से यानी बार बार दोहराने से बचने के लिए किसी एक नाम को किसी एक जुमले के अंदर या किसी एक पूरे आर्टिकल के अंदर बार बार एक ही नाम को जो दोहराने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से इस जुमले में आप देख रहे हैं कि वो एक प्रोनाउन है जिसके मायने ई या शी के हैं, वो अहमद की जगह इस्तेमाल हो रहा है, यानी अहमद की जगह वो इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप इसको इंग्लिश में इस तरह लिखें, अहमद इज अ बॉय, अहमद इज अ गुड बॉय, ही स्टडी इन सिक्स क्लास, ही
स्टडी इन सिक्स क्लास, यानी वो सिक्स क्लास में ही स्टडीज इन सिक्स क्लास, वो छठी जमात में पढ़ता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अहमद की जगह हमने ही का इस्तेमाल किया। तो इसी तरीके से प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, यानी ई, शी, इट, यू, वी, दे, अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुताबिक हम अपने नाउन को, नाउन के मुताबिक जुमले का सब्जेक्ट जब नाउन हो तो उस नाउन के मुताबिक हम अपने प्रोनाउन को चेंज करते हैं। और ये हम प्रोनाउन के लेसन में डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला मैं आपको पढ़ाऊंगा कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, किस तरीके से हम कौन से नाउन के जगह हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। एडजेक्टिव एक अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, जिसको हम उर्दू में सिफ्त कहते हैं, जो किसी नाउन की सिफ्त को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी किसी नाउन की खूबी खामी को जाहिर करने के लिए हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। अब एडजेक्टिव के भी बहुत सारे किस्म हैं, कुछ एडजेक्टिव कलर भी हैं, वो कलर भी एडजेक्टिव कहलाते हैं, शेप भी एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी जो नाउन को डिफाइन डिस्क्राइब करें, नाउन को बताए कि नाउन किस तरह है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अहमद इज़ अ, पिछले ही जुमले को लेकर अहमद इज़ अ बॉय, तो अब अहमद तो लड़का है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अहमद किस किस्म का लड़का है। अहमद इज़ अ गुड बॉय, अहमद इज़ अ बैड बॉय। अब देखो मुझे गुड और बैड इस्तेमाल करते हुए उसके सिफ्त के बारे में बताया कि यानी अहमद कैसा लड़का है। तो इसी तरीके से हम ये किसी चीज़ को, किस नाउन को हम डिफाइन करने के लिए हम उसको ज़्यादा उसकी वजाहत करने के लिए हम उसके सिफ्त उस पे लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं, तो वो नाउन के मीनिंग को ज़्यादा वाज़े तौर पर यानी एक्सप्लेन करता है एडजेक्टिव। इसी तरीके से यहाँ मिसाल हैं कुछ, ये मोबाइल फ़ोन सस्ता है, दिस मोबाइल फ़ोन इज चीप। अब इस जुमले में सस्ता जो कि जिसके मीनिंग चीप है, ये मोबाइल फ़ोन के बारे में बताई जा रही है, यानी कि मोबाइल फ़ोन के बारे में ये बताई जा रही है कि दिस मोबाइल फ़ोन इज़ चीप, यानी ये मोबाइल फ़ोन का सिफ्त है या इसकी वजाहत उस मोबाइल फ़ोन की कर रहा है कि कैसा मोबाइल है भाई, ये मोबाइल चीप है। अगर ये मोबाइल महंगा होता तो इसको ये बोलते कि दिस मोबाइल इज़ एक्सपेंसिव। अगर इसकी खूबी के बारे में अगर हम कहेंगे दिस मोबाइल इज़ गुड, उसके खामी के बारे में बोलेंगे तो हम ये कहेंगे कि दिस मोबाइल इज़ बैड। तो यानी कि हमको, हम इस मोबाइल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको बयान कर रहे हैं, मज़ीद उसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये मोबाइल तो है लेकिन ये कैसा मोबाइल है, ये सस्ता मोबाइल है। तो जिस एडजेक्टिव इस किस्म के, यानी कि नाउन को मज़ीद डिस्क्राइब करता है, मज़ीद वाज़े करता है एडजेक्टिव, जिसके उर्दू में मीने सिफ्त के होते हैं। इसी तरीके से हमारा सेंटेंस नंबर टू है, ये कार महंगी है, दिस कार इज एक्सपेंसिव। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि महंगी जो है वो एक सिफ्त है, इसके मायने इंग्लिश में एक्सपेंसिव है, एक एडजेक्टिव है जो कि कार के बारे में हमें बता रहे हैं कि किस किस्म का कार है, यानी ये एक महंगी कार है। इसी तरीके से अहमद अच्छा लड़का है, अहमद इज अ गुड बॉय। और इस फिक्रे में, इस सेंटेंस में गुड एक एडजेक्टिव है जो कि अहमद को डिस्क्राइब कर रहा है, अहमद के बारे में हमें मज़ीद बता रहा है। इस तरीके से कराची में आजकल सर्दी है, Nowadays it is cold in Karachi. तो ये कराची के बारे में हमें बता रहा है, कराची को डिस्क्राइब कर रहा है कि कराची में मौसम कैसा है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए मज़ीद अब जो है वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कराची को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आपने देखा कि एडजेक्टिव यानी कि जिसको उर्दू में हम सिफ्त कहते हैं, वो यानी कि किसी नाउन की को मज़ीद डिस्क्राइब करने के लिए
हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो एडजेक्टिव के भी बहुत सारे काइंड्स हैं, यूज हैं एडजेक्टिव के अपने, तो वो हम आगे के लेसन में मैं आपको जब एडजेक्टिव के बारे में हम पढ़ेंगे मुकम्मल तो मैं आपको ये पूरा ये सारी चीज़ें आपको तफसील के साथ बताऊंगा। इसी तरीके से हमारा ये जो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडवर्ब्स किसी एडजेक्टिव वर्ब या किसी और एडवर्ब्स के मायने में इजाफा करता है, जैसे कि केयरफुली, क्वाइट, वेरी वगैरह, ये तमाम एडवर्ब्स होते हैं जो कि किसी दूसरे यानी एडवर्ब को भी के मायने में इजाफा करते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सेंटेंस है, वो ख्याल काफी अच्छा था, डेट आइडिया वाज क्वाइट गुड। अब यहाँ पे इस जुमले में आप देख रहे हैं कि क्वाइट एक एडवर्ब है, गुड एक एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वो ख्याल अच्छा था, वो ख्याल अच्छा था, डैड आइडिया वाज गुड, इस तरह कह सकते हैं, लेकिन हमने इसके मीनिंग में गुड के मीनिंग में ज़्यादा इजाफा करने के लिए उस पे स्ट्रेस करने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए हमने उस पे एक और यानी कि एक और वर्ड का इजाफा करके उसके मीनिंग में इजाफा कर दिया है कि डैट आइडिया गुड, डैट आइडिया वाज गुड। ये सेंटेंस भी काफ़ी है, लेकिन जब हम किसी चीज़ पे जोर देते हैं, उसके मायने में इजाफा करना चाहते हैं, तो फिर हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि डैट आइडिया वाज क्वाइट गुड, वो ख्याल काफ़ी अच्छा था। वो इसके उर्दू में क्वाइट के उर्दू में मायने हैं काफ़ी, तो हम अपने उर्दू में भी यानी कि इन चीज़ों का यानी एडवर्ब्स का या किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम अपने उर्दू में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। वो आपने देखा कि किस तरीके से एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा करता है एडवर्ब, और हमारे दूसरे सेंटेंस में वो बच्चा बहुत प्यारा था, वो बच्चा बहुत प्यारा था, डैट बेबी वाज वेरी क्यूट। अब यहाँ पे अगर आप डैट द बेबी वाज क्यूट भी कर सकते हैं, वो बच्चा प्यारा था। अब इसके अब ये चाहते हैं कि मजीद ज़रा सा इसको यानी कि इसको जोर दिया जाए, यानी प्यार को मजीद जोर दिया जाए, तो उसके लिए आप फिर एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्यूट एक एडजेक्टिव है, फिर यहाँ पे वेरी एडवर्ब का एक एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव को यानी कि उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो लास्ट वन हमारा सेंटेंस है, अहमद एहतियात के साथ गाड़ी चलाता है, अहमद ड्राइव केयरफुली। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्राइव यानी एक वर्ब है, इस तरीके से डिफिनेशन में हमने पढ़ा कि वर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है। तो आपने देखा कि नाउन यहाँ पे एक सॉरी ड्राइव एक वर्ब है, तो केयरफुली यानी कि ड्राइव उसके नाउन वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। हम इस तरह कह सकते हैं अहमद ड्राइव, अब अहमद ड्राइव अहमद गाड़ी चलाता है, तो किस तरह चलाता है, तो उसके मीनिंग में इजाफा करने के लिए हमने एडवर्ब लगाया केयरफुली यानी एहतियात के साथ वो गाड़ी चलाता है। तो आपने देखा कि वर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है, और ये आप देख रहे हैं कि तरतीब इनका ज़रा सा एडजेक्टिव से पहले आ रहा है और वर्ब के बाद आ रहा है। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना और उसको समझने से ही आप सही माने में इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ये मैं आपको तमाम चीज़ें आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊँगा कि सिक्वेंस किस तरीके से होना चाहिए एडवर्ब का, एडवर्ब के काइंड्स किस किस्म के होने चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल यानी एडवर्ब को हम एडवर्ब के साथ किस तरीके से एक एडवर्ब के मीनिंग में किस तरीके से इजाफा कर सकता है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ।
मिसाल के तौर पर आपको, मिसाल के तौर पर मैं आपको यही वाला, अहमद वाला ही हम अगर ले उसको, सेंटेंस को हम ले, अहमद एहतियात के साथ कार चलाता है, तो केयरफुली यहाँ पे एक एडवर्ब है, लेकिन इस एडवर्ब के साथ हम एक दूसरा एडवर्ब का इजाफा करते हुए मजीद इसके यानी कि इसके इसमें हम यानी कि इसके मायने मायने में इजाफा कर सकते हैं, मजीद हम इस जुमले को में जोर दे सकते हैं कि किस तरीके से अहमद गाड़ी चलाता है, तो हम इस जुमले को इस तरह भी कर सकते हैं, अहमद ड्राइव वेरी केयरफुली, यानी अहमद बहुत ज्यादा एहतियात के साथ गाड़ी चलाता है, तो वेरी केयरफुली, तो वेरी भी एक एडवर्ब है, केयरफुली भी एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब आप देख रहे हैं कि वेरी ने खेरी के केयरफुली के मीनिंग में इजाफा किया, तो इससे ये पता चलता है कि अब एडवर्ब एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है, तो ये हम डिटेल के साथ अब एडवर्ब पूरा पढ़ेंगे, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब मैं पढ़ाना इसका शुरू करूँ तो आपको आपको चाहिए कि आप पूरे मुकम्मल जितने भी मैं इसमें डिटेल के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ाऊंगा तो आप एक एक वीडियो को ज़रूर वॉच करें। प्रीपोजिशन हमारा एक एक दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इस परेशान हैं इसको इसको समझने में, इनको ज़्यादा दिक्कत होती है, तो प्रीपोजिशन हमें किसी शख्स जगह या चीज़ की सूरत-ए-हाल या जगह के बारे में हमें इल्म देता है, यानी प्रीपोजिशन हमें किसी शख्स या किसी जगह या किसी चीज़ के पोजीशन के बारे में मैं बताता है कि उसके जो करंट उसका जो पोजीशन है वो कहाँ है। हम प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करते हुए किसी को हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ या कोई शख्स इस वक्त कहाँ पर है। अगर हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम इस चीज़ की वजाहत नहीं कर सकते कि कोई चीज़ कहाँ पर है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अबाउ, आउटसाइड, आउट, इनसाइड, इन, ऑन, बिलो वगैरह, ये तमाम प्रीपोजिशंस हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, प्रीपोजिशन के काइंड्स हैं, मैं आपको वो तमाम चीज़ें पढ़ाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिव्यू देना है कि आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और उनके काम किस तरीके से हम उनको जुमलों में इस्तेमाल, क्यों हम उनको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मिसालें हैं, किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में पर ऑन एक प्रीपोजिशन है जो कि हमें ये बता रहा है कि बुक के पोजिशन के बारे में, उसके जगह के बारे में हमें बता रहा है कि इस वक्त किताब कहाँ पर है, तो इस वक्त किताब मेज पर है यानी कि टेबल पर है। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट वन सेंटेंस है, परिंदे हवा में परवाज कर रहे हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, यहाँ पे इस सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन है वो है मे यानी इन, प्रीपोजिशन है जो हमें ये बता रहा है कि परिंदे कहाँ पर उड़ रहे हैं, वो आसमान में परवाज कर रहे हैं यानी आसमान में वो उड़ रहे हैं, तो हमें यानी कि परिंदों परिंदों के जो प्लेस है उसकी जगह हमें, करंट प्लेस है उसकी जगह हमें बता रहा है यहाँ पे प्रीपोजिशन के वो कहाँ पे उड़ रहे हैं। जो हमारा जो थर्ड वन है, मेरा दोस्त बाहर खड़ा है, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि दोस्त कहाँ पे खड़ा है, दोस्त के जगह के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में हमें बताया जा रहा है, हमें प्रीपोजिशन ये बता रहा है कि हमारा दोस्त यानी वो बाहर खड़ा है। इसी तरीके से लास्ट वन हमारा सेंटेंस है, शेर कुएं में कूदा, द लायन जम्प, और शेर कुएं में कूदा, द लायन जम्प इन टू द वेल, तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो कि एक्शन के साथ इस्तेमाल होते हैं, तो इनटू इन्हीं प्रीपोजिशन में से एक है, यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है कि जंप
वो यानी कि शेर कूदा, जंप काया उसने, कूदा कुएं के अंदर, वो उसने जंप काया। तो यहाँ पे इंटू अभी ये बता रहा है कि कहाँ वो कूदा, कहाँ उसने जंप मारा। तो ये आपने देखा कि प्रीपोजिशन कितना किस तरीके से हम प्रीपोजिशन को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, उसके प्लेस के प्लेसमेंट के बारे में आपने देखा किस तरीके से, यानी नाउन से पहले अब प्रीपोजिशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। और थर्ड वन में हमने, थर्ड वाले सेंटेंस में हमने देखा प्रीपोजिशन को हम जुमले के आखिर में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हैं स्पोकन इंग्लिश को या अपने रिटन इंग्लिश को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। ये तमाम चीज़ें आपने पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैं ये तमाम चीज़ें आपको अपकमिंग वीडियोस में सिखाऊंगा। वर्ब ये बहुत ज़्यादा, यानी जिस तरह मैंने आपको एक मिसाल दिया था कि एक गाड़ी के जिस तरह पार्ट होते हैं, उसका जब से अहम पार्ट उसके इंजन का होता है, इसी तरीके से इंसान के जो मेन, इंसान का जो पार्ट है, इंसान के भी पार्ट्स होते हैं, तो उसके जो ऑर्गेन, ऑर्गेन में से मेन ऑर्गन वो इंसान का दिल होता है। तो इसी तरीके से वर्ब भी यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का यानी दिल है। वर्ब के इस्तेमाल करना और सही माने में इस्तेमाल करना उसको, ये बेहद, ये दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं उनसे ज़्यादा ज़रा दिक्कत होती है स्टूडेंट को इसको समझने में, और इसके इस्तेमाल में ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है आपके लिए, ज़रूरी है वर्ब को समझना कि वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, कितने किस तरीके से वर्ब को हम इस्तेमाल करते हैं, और कहाँ हमने कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है, कौन सा वर्ब किस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। तो ये बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसके लिए मैंने एक मुकम्मल कोर्स भी बनाया है, वो 1000 एक्शन वर्ब्स के नाम से, जो कि बिल्कुल एक डिटेल्ड कोर्स है। उसमें मैंने तमाम एक तकरीबन 1000 वर्ड में उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ उसमें। और उसको मैंने, ये नहीं कि उसमें मैंने लिस्ट बनाया है, बल्कि मैंने एक पूरा मुकम्मल कोर्स बनाया है। उसमें एक एक वर्ब को मैंने अलग अलग एक्सप्लेन किया है जुमलों के साथ, उसके मीनिंग के साथ, जुमलों के साथ। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ किस वक्त कौन सा वर्ब कहाँ इस्तेमाल होगा, उसके चार पार्ट्स, उसके चार जो यानी फॉर्म्स हैं उनके बारे में मैंने डिटेल पूरा एक कोर्स बनाया है, जो कि आप यूडेमी में भी जाके आप परचेस कर सकते हैं, और हमसे कांटेक्ट करके भी आप उसको डीवीडी में और एसडी कार्ड में भी आप परचेस कर सकते हैं। एनीवेज, तो ये वर्ब यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ब्स हम उन कामों के बारे में बताते हैं जो वर्ब्स हमें उन कामों के बारे में बताते हैं जो हम करते हैं, जो हमने जमाने माजी में किए, या वो काम जो हम जमाने मुस्तकबिल में करने का इरादा रखते हैं या करेंगे। तो यानी वर्ब जो काम हम करते रहते हैं, जो काम हमने किए थे जमाने माजी में, और जो काम हम करने का इरादा रखते हैं या करेंगे, वो काम उनके लिए हम उन कामों को एक नाम देते हैं, और वो नाम वर्ब है। तो टेंस की रूह से वर्ब के चार फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि चार फॉर्म्स होते हैं। और इन चार फॉर्म्स का आपको बिल्कुल याद होना स्पेलिंग के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी वर्ब होते हैं जो कि अपने फॉर्म्स को चेंज करने के साथ साथ के स्पेलिंग में भी चेंजेस आती है। तो उनके स्पेलिंग भी आपने सही माने में याद करना है, उनके चारों फॉर्म्स को याद करना है। मिसाल के तौर पर डाई, अब डाई जो है DIE, डाई माने वफात पाना, और इसका पास्ट और प्रेजेंट जो है वो डाई है, पास्ट डाइड है, और पास्ट पार्टिसिपल भी डाई है, लेकिन इसके जो
प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी आईएनजी वाली फॉर्म जिसको आप कहते हैं, जब आप उसमें इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये बिल्कुल इसकी स्पेलिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है, यानी कि टी आई ई आई एन जी नहीं बल्कि टी वाई आई एन जी टाई, उसकी पार्ट पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म टी वाई आई एन जी टाई बनती है। तो इसी तरीके से हमने बिल्कुल इनको देखना है, इसी तरीके से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के लिए जब हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के वर्ब्स के बाद, तो वो एक रूल्स है, उसके रूल्स होते हैं कि किस तरह कैसे किस कौन से वर्ब ऐसे हैं जिसमें एस लगता है, कौन से वर्ब ऐसे हैं जिसमें ईएस लगता है, कौन से ऐसे वर्ब है जिसमें आई ई एस लगता है यानी वाई की जगह आई एस लगता है। तो ये पूरा एक मतलब एक डिटेल है वर्ब का, ये अपने तमाम चीज़ें आपने जाननी ज़रूरी है। इसी तरीके से स्टेट वर्ब हैं, एक्शन वर्ब हैं, ट्रांजेटिव वर्ब हैं, इन ट्रांजेटिव वर्ब हैं, और बहुत सारे मतलब चीज़ें वर्ब में जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के लायक हैं, समझने के लायक हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने कोर्स में भी आपको पूरे मुकम्मल मैंने बताई हैं, तो मैं यहाँ भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कास्टा स्पेल एक वर्ब है, हम माने गुनगुनाना, और कास्टा स्पेल यानी जादू करना, ये एक पूरा प्रेज है, वर्ब का प्रेज है। कास्ट अप स्पेल एक पूरा मुकम्मल एक वर्ब, यानी कि जब तक आप आ स्पेल का इजाफा नहीं करते तब तक ये पूरा एक मीनिंग अदा नहीं करता। इसी तरीके से प्ले एक वर्ब है, गो एक वर्ब है, कम ट्रू यानी कि सच होना एक वर्ब है। तो ये तमाम वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं कि मुख्तलिफ किस्म के वर्ब्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इसी तरीके से मिसाल में आप देख रहे हैं कि जादूगरनी ने शहजादे पर जादू किया था, द एंचेंट्रेस कास्ट अ स्पेल ऑन प्रिंस, यानी कि जादूगरनी ने शहजादे पे जादू किया था। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पोर्ट वर्ड में आप देख रहे हैं कास्ट एस्पिल, ये भी एक वर्ब है। अब यहाँ पे एस्पिल भी जरूरी है इस वर्ब के साथ, अगर एस्पिल आप नहीं लगाते तो ये जादू करने का मीनिंग अदा नहीं करता। तो कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं उनके साथ आगे नाउन का इजाफा करते हैं उनको, फिर वो फिर अपने मीनिंग में सही आते हैं, वरना वो सही मीन मफहूम अदा नहीं करते। इसी तरीके से सेकंड वन है, इसके ख्वाब सच्चे हो गए, हर ड्रीम हैज कम ट्रू। अब यहाँ पे है कम ट्रू, ये दोनों ही वर्ब हैं, यानी कि अब कम के साथ ट्रू, ख्वाब सच्चे हो जाना तो उसके मीनिंग कम ट्रू ही होते हैं, यानी कि अब इसको कम को अब ट्रू के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये उर्दू में जो सच हो जाना के मीनिंग फिर वो अदा करेगा। तो कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके बाद हम यानी कि नाउन का इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, तो यानी कि ये हर वक्त जब भी इस्तेमाल होंगे इस किस्म के वर्ब तो वो इसी तरीके से ही इस्तेमाल होंगे। लास्ट वन वर्ब हमारा है, मैं इन्हें चाहता हूँ, आई वॉन्ट हर, मैं इन्हें चाहता हूँ या मैं उन्हें चाहता हूँ, आई वॉन्ट हर, मैं उन्हें चाहता हूँ। तो ये एक स्टेट वर्ब है यहाँ पे, यानी कि वॉन्ट, लव, लाइक, ये तमाम स्टेट वर्ब हैं जो कि इस किस्म के जुमले यानी अपने जो फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए आप इस किस्म के वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत सारा एक लंबा चौड़ा एक यानी कि वर्ब का एक हिस्ट्री है, वो मैं आपको फिर बताऊंगा। आप हमारे कोर्स भी खरीद सकते हैं, इसके अलावा मैं यहाँ इस चैनल के ज़रिए आपको मज़ीद भी बताऊंगा। जो हमारा लास्ट वन हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कंजेंशन वर्ड है, कंजेंशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अमूमन मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ टीचर्स स्टूडेंट को जब वो इंटरमीडिएट में आते हैं यानी कि बेसिक स्टूडेंट को जो कि बेसिक जो कि बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पढ़ाते, ये उनको नहीं पढ़ाते बल्कि वो इंटरमीडिएट में आके मैंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े राइटर्स को देखे हैं उनके बुक्स भी उनमें थोड़ा बहुत बताते हैं
कंजंक्शन वर्ड्स के बारे में, लेकिन ज़्यादातर जब इंटरमीडिएट में स्टूडेंट आते हैं तो फिर उनको ये कंजंक्शन वर्ड पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको शुरू में ही एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जुमलों को बनाने में मदद देती है, रिटन इंग्लिश में खासतौर पर ये बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। तो हम पढ़ते हैं कि क्या है कंजंक्शन। कंजंक्शन दो अल्फाज या दो जुमलों को मिलाने के काम करते हैं, यानी कि दो अल्फाज या दो जुमलों को आपस में मिलाने के काम करते हैं कंजंक्शन। और कंजंक्शन वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बट और एंड फॉर इफ वगैरह, ये तमाम कंजंक्शन कहलाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड्स हैं, यानी कि अंटिल हो गया, इसके अलावा बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड्स हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के इंशाल्लाह ताला। तो ये काम क्या करते हैं, ये काम ये करते हैं कि दो जुमलों को मिलाने या दो वर्ड्स को या दो जुमलों को मिलाने के काम करते हैं। इसी तरीके से ये आप सेंटेंस देख रहे हैं, मेरे गले में सोजिश है मगर मैं आइसक्रीम खाऊंगा, आई हैव सोर थ्रॉट बट आई विल ईट एन आइसक्रीम। तो आपने देखा यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, आई हैव सोर थ्रॉट और आई विल ईट एन आइसक्रीम। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक कंजंक्शन है। तो हमने ये पता चला इस सेंटेंस से कि वाकई में कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने के काम आता है। इसी तरीके से हमारा सेकेंड वन, हमारा जो है सेंटेंस है, फिक्रा है, आम और केले दोनों फल होते हैं, बनाना एंड मैंगो बोथ आर फ्रूट। तो यहाँ पे आपने देखा कि आम और केला यानी बनाना और मैंगो, ये दो वर्ड्स हैं, उनको एंड जोड़ रहा है, जो कि एक कंजंक्शन वर्ड है। तो इससे हमें ये भी पता चला कि ये दो वर्ड्स को भी जोड़ता है। इसी तरीके से वो कराची में रहता है या लाहौर में, ही लिव्स इन कराची और लाहौर। तो ये एक क्वेश्चंस के फॉर्म में भी हम इसको कर सकते हैं, डज ही लिव इन कराची और लाहौर। हम इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी कर सकते हैं इस सेंटेंस को। तो यहाँ पे और का इस्तेमाल हो रहा है, ये दो चीज़ों में फ़र्क को जाहिर कर रहा है, और यानी कराची और लाहौर। तो यहाँ पे ये और भी दो वर्ड्स को जोड़ने के काम आ रहा है। तो ये इतना सा नहीं है कंजंक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ना और इसको समझना बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बहुत लंबा चौड़ा एक टॉपिक है। मैं आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह ताला इस चैनल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये लेसन आपके लिए मुफीद होगा, और आप मुझे यकीन है कि आप इसको पसंद करेंगे और इसको ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो से मुतालिक कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में है किसी भी किस्म का, तो कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने टीचर साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।